After discussing basic property about switch statement, then next one we are practicing more examples related to switch statements. Previous case mein discuss kiya tha just architecture diagram about switch, basic syntax of the switch statement, then basic rules about switch statement. Next one we are practicing near about 40 examples related to switch statement. In 40 examples ke cases mein सारे एग्जांपल्स आपके थ्रू डायरेक्टली सॉल्व करना पॉसिबल हुआ विदाउट एनी प्रैक्टिसिंग. देखने इस केस में ओनली आपको क्लियरली मीनिंग क्लियर होना चाहिए अबाउट प्रीवियस सेशंस और बेसिक प्रॉपर्टीज व्हिच इज वी आर डिस्कसिंग ड्यूरिंग सेशन 2 ऑफ द स्विच स्टेटमेंट बेसिक रूल्स ऑफ द स्विच स्टेटमेंट्स. मीन्स इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने से जस्ट पहले एक बार आपको रफली सारे के सारे प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली रीड करना चाहिए, देन इन प्रॉपर्टीज को अप्लाई करें थ्रू आउट एग्जांपल्स. इन दैट केस जैसे कि फर्स्ट केस में डिस्कस किया था इनिशियली स्विच के केस में स्विच आर्गुमेंट के प्लेसेस पर वेरिएबल्स यूज करना पॉसिबल, लेकिन वेरिएबल्स का डेटा टाइप क्या होना चाहिए आइदर कैरेक्टर और इंटीजर, और इंटीजर्स के केस में इंटीजर टाइप का वैल्यू लॉन्ग में भी स्टोर करना पॉसिबल, इसलिए लॉन्ग टाइप का भी वैल्यू सप्लाई करना पॉसिबल है. करंट केस में सी एच के रिगार्डिंग बात करें सी एच का टाइप क्या है डबल, डबल टाइप का वैल्यू पास करना पॉसिबल, इसलिए क्या आएगा इस केस में कंपाइल टाइम एरर्स, कंपाइल टाइम एरर्स.